मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि आजकल तुम्हें ये जीवन का दौर अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए तुम इतने दुखी और मायूस रहते हो। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, जरा सोचो। यदि परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण में है तो उसे बदलने की कोशिश करो, और यदि वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है तो अपना नज़रिया बदलने की कोशिश करो। जिस वक्त तुम अपना नज़रिया बदल लोगे ना, तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। इसलिए हमेशा ये याद रखो बच्चे, कि तुम्हारे जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है, और ये वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता है, क्योंकि यही वक्त की खासियत है। जीवन चलता रहता है, और तुम्हें भी जीवन के साथ साथ चलना होगा खुश रहने के लिए। मेरे बच्चे, जीवन में खुश रहना वैसे तो सबसे सरल काम है, लेकिन इंसान का मन इतना चंचल होता है कि वह एक जगह नहीं रुकता है, इसलिए वह अपनी खुशी को अपने साथ नहीं रोक पाता। तुम्हारे अंदर ही तुम्हारी खुशी छुपी हुई है बच्चे, इसलिए अपने मन को अपने नियंत्रण में रखने के लिए भक्ति मार्ग पर चलना भी बहुत जरूरी है। इसलिए बुढ़ापे तक का इंतजार क्यों करना है, भक्ति मार्ग पर चलने के लिए जब मेरे होने का एहसास और मेरी कृपा यह दोनों ही तुम्हें महसूस होती है। तो बच्चे, अपने जीवन में उदास रहने का चुनाव क्यों करते हो, हमेशा अपने जीवन में खुश रहने का चुनाव करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा। और यदि तुम्हारा मन जिस जगह या जिस इंसान के साथ नहीं लग रहा हो, तो वहाँ से हट जाने में ही तुम्हारी भलाई है। मेरे बच्चे, हर रिश्ते में प्यार तो होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि एक दूसरे के लिए इज्जत होनी जरूरी है। और तुम्हारे हर रिश्ते की डोर मेरे हाथ में है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे, कल तुम्हारी पूजा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए बस विश्वास रखो, मैं तुम्हें जल्द ही बहुत बड़ा आशीर्वाद दूंगा। मेरे बच्चे, याद रखो, जीवन में हमेशा कुछ न कुछ होता है, या कोई न कोई ऐसा होता है जो तुम्हें पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उन पर ही अपना ध्यान केंद्रित करो। तुम उन लोगों पर अपना ध्यान लगाओ जो तुम्हें पसंद करते हैं और जिन्हें तुम पसंद करते हो। लेकिन कुछ लोग जो तुम्हारे अपने हैं फिर भी तुम्हारे साथ गलत करते हैं, तो उनसे तुम दूर नहीं जा सकते ना। तो ऐसे में जितना हो सके उनसे कम बात करो, और सबकी इज्जत करना हमेशा। मेरे बच्चे, अपने बाबा की बातों को हमेशा अपने जीवन में अपनाओ और खुश रहो, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देता रहता हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि कभी कभी तुम्हारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे साथ बाबा हैं या नहीं, और अगर हैं तो मेरे साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है। तो बच्चे, यही वो समय होता है जब तुम्हारे विश्वास की परीक्षा होती है, इसलिए विश्वास दृढ़ रखना, क्योंकि जहाँ तुम्हारी सहन शक्ति खत्म होती है ना, तो वहीं से मेरी लीलाओं की शुरुआत होती है, और फिर मैं तुम्हें इस तरह उन परेशानियों से बाहर निकालूंगा कि तुम हमेशा सबसे मेरी लीलाओं का गुणगान किया करोगे। और तुम तो अपनी बुद्धि के अनुसार ये तय कर लेते हो कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, लेकिन तुम यह कैसे भूल जाते हो कि मेरे लिए तो जो असंभव है उसको मैं संभव भी कर सकता हूँ। इसलिए विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में यही असंभव को संभव करने आया हूँ, तुम्हारे जीवन का कल्याण करने आया हूँ। इसलिए भरोसा रखो, जल्द ही तुम्हें मेरी लीलाओं का अनुभव होगा, और मैं तुम्हारे जीवन में अब असंभव को भी संभव करने जा रहा हूँ। इसलिए सदा खुश रहो
और हमेशा मुस्कुराते रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।